Olympian Dutee Chand won the women's 100 meters gold medal, clocking 11.49 at the 25th National Federation Cup Senior Athletics Competition in Kozhikode, Kerala. Last month she participated in the World Indoor Athletics Championships where she finished 6th in her 60 meters heat in 7.35s at the Stark Arena, Belgrade. Dutee Chand clocked 23.20 to win the 200 meters silver medal at Jakarta Asian Games 2018. She will need to do better to make the cut for Hangzhou 2022. In a special chat with NNIS Sports, Dutee says, "There are 2-3 months left in the competition, many more competitions will happen, Indian Grand Prix 3, 4, 5 and interstate competition. I will try to touch the qualification mark of Asian Games and Commonwealth Games." मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। दिस ईयर का गोल्ड मेडल हासिल किया है 100 मीटर में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया को, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की फाउंडेशन को, जिन्होंने मुझे ये बहुत सारा सपोर्ट किया है, मदद किया है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। मैंने कोशिश किया था कि 11.30 करने के लिए जो क्वालिफाई मार्क दिया गया है एशियन गेम को और कॉमनवेल्थ गेम को। शायद ये गर्मी के वजह हो या कुछ ट्रेनिंग की कमी हो, इसलिए मेरा बॉडी इतना नहीं खोल पाई। मैंने 11.49 भागी फाइनल में रेस में, हीट में 11.51 किया था। अभी तो देखेंगे तो और 2-3 महीना है कॉम्पिटिशन की, और बहुत सारा कॉम्पिटिशन होने वाला है। ग्रैंड प्री 4, ग्रैंड प्री 3 और ग्रैंड प्री 5 और इंटरस्टेट बहुत सारा ऐसे कॉम्पिटिशन है। मैं कोशिश करूँगी जो टाइमिंग दिया गया 11.30 इसको कवर करेंगे और एशियन गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। केरला's weather। अभी तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है हाल इंडिया में। मैं तो बेसिकली अभी हैदराबाद में रह के ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी देखें तो हैदराबाद तो इतना गर्मी नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे आके तो इमीडिएटली गर्मी और ह्यूमिडिटी बढ़ गया, जिस कारण से बॉडी इतना अडप्ट नहीं हो पाई। फिर भी हम तो प्लेयर हैं, गर्मी हो, बारिश हो, शीत, ठंडी हो, हर मौसम को सामना करना पड़ता है। तो और थोड़ा ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है जो 11.10 का रेस करने के लिए और मुझे थोड़ा स्पिन के एक्सरसाइज और इंड्योरेंस की ज़रूरत है, और मेरे कोच ऑनलाइन करके मुझे जो ट्रेनिंग देंगे इसको फॉलो करेंगे। एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन। हाँ ज़रूर, देखो मेरा हर साल में जब भी मैं परफॉर्मेंस करता हूँ तो फर्स्ट कॉम्पिटिशन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। जैसे लास्ट ईयर भी आपने देखा होंगे फेडरेशन का भी 11.51 करके मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, और 1-2 महीने के बाद फिर 11.17 का न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया था मैंने। तो लास्ट मंथ में स्टेप बाय स्टेप कॉम्पिटिशन जब होता है तो परफॉर्मेंस निकलता है बॉडी से। इसको लगा कि मैं 2 कॉम्पिटिशन हुआ कि पहले मैं भुवनेश्वर में हुआ था वर्ल्ड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, इसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया था, 11.44 किया था मैंने। अभी बेलगढ़ भी किया था मैंने, आके इतना रिकवरी भी नहीं हुआ बॉडी, फिर भी मैंने यहाँ पर कॉम्पिटिशन किया। उम्मीद है 11.20 11.30 में कभी ना कभी कर पाऊँगी और एशियन गेम में पार्टिसिपेट कर पाऊँगी।